नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो अंकल शिरोमणि सचिन। एस्ट्रो अंकल के उपाय लाइफ बनाए, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो अंकल आपको बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य की तमाम तरीके की समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं। कफ कोल्ड से संबंधित कोई समस्या है, बुखार से संबंधित कोई समस्या है, या फिर मौसम परिवर्तित होने के साथ साथ आप बार बार बीमार हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, मन प्रसन्न हो सकता है और बार बार बीमार भी आप नहीं पड़ेंगे। इसके लिए आपको एक दिव्य उपाय करना है। इस दिव्य उपाय के लिए आपको एक तांबे के लोटे की आवश्यकता होगी, जो आपके घर पर होगा या फिर आप परचेज कर लीजिए। आप एक शुद्ध तांबे का लोटा लीजिए। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करके आप हर तरीके से उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा अंतर दशा हो, मान के चलिएगा लग्न का जो कारक होता है वो होता है सूर्य। और सूर्य यदि प्रसन्न हो जाए तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलने के साथ साथ आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक समझे आप? तो ये तांबे का लोटा आपको किस तरीके से अच्छे मान सम्मान के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा, कैसे करना है ये दिव्य प्रयोग, आपको समझा देते हैं। देखिए, एक शुद्ध आप तांबे का लोटा लें, सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले आपको 3 बार प्राणायाम करना है, भगवान सूर्य को नमस्कार करना है और हो सके तो किसी लाल आसन या कुशा के आसन पर आप खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको भगवान सूर्य को 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर सुनाना है और अपने दोनों हाथों से तांबे के लोटे में आप जो आपने जल उसमें भरा था उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल लीजिएगा, 3 चुटकी उसमें रोली डाल लीजिएगा। अपने दोनों हाथों से भगवान सूर्य नारायण को ये जल अर्पित करिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, विशेष तौर पर ये दोनों हाथों से ही आप चढ़ाएंगे और दोनों हाथों को अपने फोरहेड यानी कि माथे से ऊपर करिएगा। फिर भगवान सूर्य को घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित कर दीजिए। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो ये जल जो है उस जल की छींटें आपके पैरों पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जल किसी पौधे में या किसी बाल्टी में या फिर किसी पात्र में गिरना चाहिए। उसके बाद ये जल आप किसी पौधे में या किसी घास वाली जगह या किसी कच्ची जमीन पर आप इसे गिरा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर इस जल की छींटें आपके पैरों पर बिल्कुल ना आने पाए। जब आप आसन पर खड़े हों, जब आप ये जल अर्पित कर दें, तो कम से कम भगवान सूर्य नारायण की 3 प्रदक्षिणा करनी है। फिर से 3 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, भगवान सूर्य को प्रणाम करिएगा, अपने उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना भगवान सूर्य नारायण से जरूर करें। इसी के साथ साथ यदि आपके मान सम्मान में कोई कमी है, आपको ऐसा लगता है कि आपका वर्चस्व कुछ कम हो रहा है या आपको लगता है कि समाज आपको वो सम्मान दे नहीं पा रहा जिसके आप हकदार हैं, तो आप भगवान सूर्य की विशेष उपासना कर सकते हैं। इस विधि से, मैं तो ये कहूँगा इस सरल विधि से, आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर दें ताकि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी के साथ साथ आपको उत्तम स्वास्थ्य जरूर मिल जाए। इसी के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को गेहूँ, गुड़ और लाल वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से भी हर तरीके से मान सम्मान की प्राप्ति होने के साथ साथ आपका वर्चस्व, आपका मान सम्मान पहले से अधिक हो जाता है। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा ताकि आप स्वस्थ हो जाएं। तो भगवान सूर्य की विशेष उपासना के तौर पर यदि आपको कुछ आँखों की समस्या है तो ये भी ठीक होगी। यदि आपकी हड्डियों से संबंधित आपको कोई समस्या काफ़ी समय से परेशान कर रही है, ये भी सुलझ जाएगी। और विशेष तौर पर जिन लोगों को हृदय रोग है तो भगवान सूर्य की विशेष उपासना उनको लाभ जरूर देगी। आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर शिरोमणि सचिन एस्ट्रो अंकल एस्ट्रो तक पर जरूर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।